हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला ईद मेकअप लुक, जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट को यूज़ करके मैंने क्रिएट किया है। और इसके लिए मैंने सिर्फ एक आई शेडो पैलेट को यूज़ किया, जिससे मैंने अपना ब्लश, कॉन्टोर, आई शेडो और हाईलाइटर पार्ट को कम्प्लीट किया। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूज़ करेंगे लैक्टो कैलामाइन मॉइस्चराइजर। गाइज, ये ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर है और ये आपको कम्प्लीटली मैट फिनिश देता है और विद इन सेकेंड ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने यूज़ किया है न्यूट्रोजेना का सनस्क्रीन और इसे भी मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन का प्राइमर। गाइस, ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइमर है, अराउंड 300 या 350 तक आपको इजीली मिल जाता है और ये सिलिकन बेस्ड प्राइमर है। इसे मैं अपने टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए लगा लूँगी। अब मैं अपने लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए मेबेलिन की बेबी लिप्स मॉइस्चराइजर को यूज़ करूँगी। और अब मैंने यूज़ किया है यहाँ पे मेबेलिन का कंसीलर और इसमें मेरा शेड है मीडियम और इसे मैं अपने आईज़ पे लगा लूँगी, क्योंकि हम सबसे पहले आई मेकअप से स्टार्ट करेंगे। अब इसे एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसे सेट करने के लिए मेबेलिन का सुपर वैक्स कॉम्पैक्ट मैंने यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का ये आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगी और इसका शेड है न्यूट्रल्स 2 और यहाँ से ये ब्राउन शेड लेकर अपनी क्रीज को क्रिएट करूँगी और मैं बहुत ही हल्के हाथ से इसे ब्लेंड कर लूँगी आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ। अब मैं ये डार्क पिंक शेड लूँगी और इसे भी मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड कर लूँगी आउटर कॉर्नर पर फोकस करते हुए। अब मैं एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी और मैंने यहाँ पे कलर बार के ब्लेंडिंग ब्रश को यूज़ किया है और इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन नहीं रह जाए। हमें आई शेडो को हमेशा अच्छे तरीके से ब्लेंड करना होता है। अब मैंने यहाँ पे ये ऑरेंज शेड लिया है और अगेन मैं थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पर इसे लगाऊंगी एक डेप्थ देने के लिए। अब मैं यहाँ पे वेगा का फ्लैट आई शेडो ब्रश को यूज़ करूँगी और यहाँ पे मैंने एक शिमर पार्टिकल को यूज़ किया है जो कि सिल्वर कलर में है और ये बहुत ही फाइन शिमर पार्टिकल है। तो यहाँ से मैं जस्ट इसको लूँगी और प्लेस कर दूँगी अपनी आईलेट पर। हम सेटिंग स्प्रे से इन ब्रश को वेट करके भी इन शिमर पार्टिकल को अपने आईलेट पर प्लेस कर सकते हैं, उससे इनका पिगमेंटेशन और भी अच्छा आता है। अगेन मैंने कलर बार का ब्रश लिया है और मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और जो भी फॉल आउट हुआ है मैं उसे क्लीन कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन और डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगा लूँगी। हमें डॉट डॉट करके ही फाउंडेशन को अप्लाई करना है, एक बार में बहुत ज़्यादा फाउंडेशन को नहीं लगाना है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अब इसे मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से हल्के हाथों से। हमें बिल्कुल भी रगड़ते हुए ब्लेंड नहीं करना है किसी भी फाउंडेशन को। उसके बाद मैंने यूज़ किया है मेबेलिन का ये कंसीलर और अंडर आई एरिया पे, अपनी नोज़ पे और जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है मैं इसे वहाँ लगा लूँगी और डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अगेन इसे ब्लेंड कर लूँगी। ये कंसीलर आपको हाई कवरेज प्रोवाइड करता है। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबेलिन का सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट और मैं पूरे फाउंडेशन और कंसीलर को सेट कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये लॉरियल का ब्रो प्रोमिड और अपने आईब्रोज को मैं फिल कर लूँगी नेचुरल शेप के अंदर ही। गाइस, ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है और इससे आपके आईब्रोज जो है वो बहुत ही नेचुरल लगती है। अब मैंने यहाँ पे मेबेलिन का काजल यूज़ किया है और मैं सिर्फ इसे आउटर कॉर्नर पर ही लगाऊंगी, मैंने इसे पूरे आईज पर अप्लाई नहीं किया है। और मैंने इसको हल्का सा आईलाइनर की तरह ऊपर भी यूज़ किया है, वो भी आउटर कॉर्नर में, और इसे मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी, स्मच कर लूँगी। और अब मैं ये ब्राउन शेड लेकर इसे काजल के साथ स्मच कर लूँगी दोनों आईज पर। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा और इसे मैं अपनी अपर लैश लाइन पर और लोअर लैश लाइन पर लगा लूँगी अच्छे से।
ये भी आपको अराउंड 300-350 तक इजीली मिल जाता है। अब मैंने यहाँ पे इसी आई शेडो पैलेट से ये हाइलाइटर शेड लिया है और अपनी आईब्रोज को और आईज के इनर कॉर्नर्स को मैं हाईलाइट कर लूंगी एक फ्लैट आई शेडो ब्रश की हेल्प से। और अब मैं ब्लश के लिए इसी आई शेडो पैलेट को यूज करूंगी और ये पिंक शेड वाला ब्लश यूज किया है। अच्छे से मैं ब्लश को अप्लाई कर लूंगी। अगेन मैं ये ब्राउन शेड लेकर कॉन्टोरिंग भी कर लूंगी। अपने नोज को, अपने चिक्स को मैं अच्छे से कॉन्टोर कर लूंगी। एक बार प्रोडक्ट को हल्का सा प्लेस करने के बाद उसके बाद मैं उसे ब्लेंड कर लूंगी। अब सेम पैलेट में से हाइलाइटर शेड लेकर अपने यूजुअल पॉइंट को हाईलाइट कर लूंगी, अपने लिप्स को, नोज को, चिक्स को, फोरहेड को। मैं फिंगर की हेल्प से ही हाईलाइट कर रही हूँ, इससे पिगमेंटेशन अच्छा आता है। अब मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेबलिन का कलर सेंसेशनल क्रीमी मैट लिपस्टिक और इसमें मेरा शेड है बरगंडी ब्लश। तो गाइस ये थोड़ा सा डार्क शेड है तो इसको लाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड की मेगा लास्ट लिक्विड लिपस्टिक और ये कोरल पीच कलर है और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी तो ये शेड हल्का सा लाइट हो जाएगा और बहुत ही सुंदर लगेगा और कम्प्लीट मैट फिनिश भी दे देगा। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये लुक पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के पास वाले बेल बटन को भी हिट कर दो जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।